हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय सीएलसी। माय सेल्फ किशोर सहगावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर, और मेरे साथ हैं। हेलो बच्चों, मैं मनीष। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स 3 डिस्कस करने वाले हैं, गुरुनुति 44। हाँ सर, जिसके बाद एक पोर्शन और रहेगा वे ऑप्टिक्स का, जिसमें भी बहुत शानदार क्वेश्चंस आपको हम करवाने जा रहे हैं। तो सर शुरू करें? बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव फिगर्स। इनमें से अपने को रॉन्ग जो है वो पहचान करना है, कुछ सही है कुछ इसमें गलत है, जो भी अपने देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला देख रखा है, ये जैसे अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, तो पहली बात तो ये है कि इसमें जो 44 वाला, जिसमें दो पार्ट हमारे हैं, एक तो है आई डिफेक्ट, उसके बाद है दूसरे वाले पोर्शन पर डिस्कस करेंगे जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला जो आई डिफेक्ट के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो देखो यहाँ जो फर्स्ट दे रखा है सर, ये आई डिफेक्ट का है कि करेक्ट आई है? ये तो डिफेक्ट है। दूसरा थर्ड भी डिफेक्ट है, और ये दो है एक्चुअली करेक्टेड आई है। ये करेक्टेड आई है। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए? रेटिना से पहले बन गया नियर साइटेड। इसका मतलब जैसे थोड़ा सा इसमें बताना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि अब अपन आगे बढ़ेंगे तो फिर बच्चे थोड़ा सा शिकायत करेंगे। तो एक्चुअली जैसे अपन मोस्टली जो पढ़ते हैं आई डिफेक्ट्स, तो आई डिफेक्ट है मेनली कितने दो टाइप के हैं। फर्स्टली मेनली, बाकी और अपन पढ़ते हैं वो अपन डिस्कस बाद देख लेंगे, और भी है लेकिन मेनली दो ही है। मेनली दो है, जिसमें एक अपन कहते हैं हिंदी में कहते हैं अपन कौन सा, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, या नियर साइटेडनेस। तो जो मायोपिया है, मायोपिया, और दूसरा जो हम डिस्कस करते हैं ये आपका है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। जो मायोपिया है इसको अपन हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और इसमें जो दिखता वही दोष होता है, जो दिखता है वही दोष होता है, पास की चीजें साफ। यस यस, जो दिखता है वही दोष है, दिखता है वही दोष है। तो इसमें हम कहते हैं मायोपिया, तो नाम जो इसका है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब इसमें निकट का तो साफ दिखता है, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, और इसको अपन कहते हैं क्या, दूर दृष्टि दोष। तो इसमें दूर की तो साफ दिखती है, निकट की साफ नहीं दिखती। इस तरह से इसके नॉमेनक्लेचर को अपन डिफाइन करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मायोपिया जो है आपका, मायोपिया है उसमें आपने कहा नाम इसका था निकट दृष्टि दोष, तो निकट का साफ दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दूर से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। तो रेटिना से पहले फोकस हो जाती है, तो आप देखो फर्स्ट जो था हमारा, ये फर्स्ट है वाला, इसमें रेटिना से ये रेटिना है, ये आपका आई लेंस है, इसे ठीक पहले ही फोकस हो जा रही है, तो कौन सा इसमें हो गया डिफेक्ट, मायोपिया, ये मायोपिया हो गया। ओके, और इसमें अपन बात करते हैं दूसरे वाले में, यहाँ अपन बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, इसको अपन ने कहा दूर दृष्टि दोष, तो यहाँ दूर की हमको साफ दिखती है, पास की साफ नहीं दिखती है। तो जो आपका निकट बिंदु होता है जिसको अपन कहते हैं 25 सेंटीमीटर, वो आपका निकट ना होकर थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाता है, तो ये यहाँ पे आता है। और इसको हम दूर करने के लिए जो लेंस यूज करते हैं वो कौन सा, अवतल, इसमें अवतल, और इसमें कौन सा होता है, अवतल, उत्तल, इसमें उत्तल यूज करते हैं, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, जैसे मायोपिया है ना, हाँ, मायोपिया में कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग जो यूज करते हैं ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। जैसे देखो, अगर मैंने कहा था ये मायोपिया है डिफेक्ट, तो मायोपिया में रे पहले से, देखो हम यही बात सिंपल से डिस्कस कर रहे थे, हम इसमें रखने कुछ नहीं होता है। आप देखो जो रे आपकी रेटिना से पहले फोकस हो रही है, और फोकस होनी कहाँ पे चाहिए, रेटिना पे, इसका मतलब रेज को आपको डाइवर्स करना है, कन्वर्ज करना है, डाइवर्स करना है। डाइवर्स कौन कर सकता है, डाइवर्स कौन कर सकता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो फर्स्ट बिल्कुल ऑर्डर से कॉनकेव, फिर आपका कॉनकेव कॉनवेक्स, ऑर्डर से अपन देखते हैं। फिर आपका आता है प्रेस मायोपिया, जिसमें जो आपकी मसल्स हैं आई जो आपकी मसल्स होती हैं उनके डिफेक्ट होने से ना तो अपन पास का ठीक दे पाते हैं, ना दूर का देख पाते हैं, तो वहां अपने को बाइफोकल लेंथ यूज करना पड़ता है। जिसमें ऊपर का पार्ट शायद होता है कौन, फर्स्ट वाला जो अपन कहते हैं कॉनवे कॉनकेव, और लोअर पार्ट आपका होता है कौन सा, कॉनवेक्स पार्ट होता है। अब देखो इसमें भी जो फॉर्मूले अपन यूज करते हैं, ये तो मालूम हो चुका है कि कौन सा क्या है, पहले वाले में अवतल, दूसरे में आपका उत्तल हो गया, और उसमें आपका दोनों अपन बाइफोकल लेंथ यूज करेंगे। अब देखो जैसे क्वेश्चंस आप करेंगे, तो क्वेश्चंस में बिल्कुल सिंपल सा खेलिए कि जो पावर ऑफ लेंस अपन पढ़ते हैं, पावर पी इज इक्वल टू 1/f, और लेंस फॉर्मूला अपन जानते हैं, लेंस में n से नेगेटिव था
तो 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन कितना u, ये बेसिक अपने पास फॉर्मूला है जिसमें अब किस को बड़ा लफड़ा नहीं होता। यहां पे सिंपल सी बात है, एक तो है u, जब भी कोई क्वेश्चन आप करते हो सॉल्व तो एक तो हमारे पास है u, तो u तो हम जो भी लिखेंगे वो है, वो चाहता है, u चाहता है और v सकता है, यानी कोई व्यक्ति कहां तक देखना चाहता है, कहां तक देख सकता है, उसके बेस पे लैंग्वेज में अपने कोई दो वर्ड मिल जाएंगे और इन वर्ड के बेस पे हम लोग यू और वी पहचान लेंगे और फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और आपकी डायग्राम आएगी उसको बदल लेंगे, एफ फोकस लेंथ आपकी सेंटीमीटर में मोस्टली आएगी उसको अपन ध्यान रखेंगे। तो अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चंस में, तो देखो जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से गलत है, तो फर्स्ट तो हो गया आपका कौन सा मायोपिया, दूसरा हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया, और ये दोनों सही है कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले में देखें सर इसमें क्या कह रहा है, थर्ड वाले में यहां लिखा है बी का फर्स्ट, ये जो ऑप्शंस है ना इससे मैच कर रहा है, सेकंड करेक्शन फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस में ये इस्तेमाल होता है क्योंकि डाइवर्ट करना है, जैसे वो शॉर्ट साइटेडनेस हम लोग ऐसे बोल सकते हैं रेटिना जो पहले बन गया इमेज तो शॉर्ट साइटेडनेस, रेटिना के बाद इमेज बना तो इसको फार साइटेडनेस, तो शॉर्ट साइटेडनेस को हम लोग रिमूव करने के लिए एलिमिनेट करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, तो सही है बिल्कुल। यहाँ पे लिखा है थर्ड में, थर्ड रिप्रेजेंट्स फार साइटेडनेस, ये भी सही है, ये भी सही है। फोर्थ में लिखा है करेक्शन फॉर फार साइटेडनेस, करेक्शन फॉर फार साइटेडनेस ये भी सही है। फर्स्ट में फर्स्ट ऑप्शन देखो जरा, फर्स्ट में लिखा है फर्स्ट रिप्रेजेंट्स फार साइटेडनेस जबकि ये शॉर्ट साइटेडनेस है, मायोपिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हां मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सारा तो बढ़े आगे। हां सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है 4a नॉर्मल आई, द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स ए कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40 डायमीटर एंड द लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस बिहाइंड द कॉर्निया इज 20 डायमीटर यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट आई डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड द कॉर्निया आई लेंस कैन बी एस्टिमेटेड टू बी। तो ध्यान दें इसमें कि जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये हमारे पास आई लेंस है, ये रेटिना है, तो जो आई लेंस और रेटिना है उनके बीच की डिस्टेंस है वही एक्चुअली क्या होती है, इस लेंस की फोकल डिस्टेंस होती है, ठीक है, और इसका इनवर्स ही हम क्या कहते हैं पावर ऑफ होता है। अब यहां एक्चुअली क्या है कि जो कॉर्निया भी ट्रांसपेरेंट है और आई भी कैसे ट्रांसपेरेंट है, इन दोनों की पावर दे रखी है, इसका मतलब दोनों की फोकल लेंथ भी अलग अलग है और दोनों कंपाउंड कंबाइंड पावर है, उससे फिर हम क्या करते हैं इमेज है वो बनती है उसको अपन देख पाते हैं, तो दोनों की नेचर दे रखी है सेम। क्वेश्चन देखो आप कैसे कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि 40 डायोप्टर तो है किसकी, कॉर्निया की, और 20 डायोप्टर किसकी है, आई लेंस की है, अब दोनों की पॉजिटिव है तो नेट पावर कितना होगा, 6 डायोप्टर हो गया। तो जैसे अपन जानते हैं, अपन लिखते हैं p = 1 / f, और ये पूछा है इसमें कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं क्योंकि पावर आपको दे रखा है नेट और 1 / f, मैंने आपसे अभी बोला कि जो रेटिना है और जो लेंस है उनके बीच की डिस्टेंस ही क्या होती है, वो आपकी फोकल लेंथ होती है, तो आपसे पूछा गया है, तो क्योंकि आपको डिस्टेंस नहीं पूछा ना तो f 1 / f, तो f हमारे पास कितना 1 / p हो जाएगा, तो p हमारे पास कितना है 60 डायोप्टर है, क्योंकि p 1 + 1 हो जाएगा तो ये 1 / 60, पर ये है देखो डायोप्टर में मीटर, ये f आपका मीटर में आ गया, अब मीटर से बदलना सेंटीमीटर में, तो इसको अपन करते हैं 100 से 100 मल्टीप्लाई, तो 100 / 60 मतलब कितना 1.67, 100 / 60 सेंटीमीटर, यस, तो ये 1.67 सेंटीमीटर आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ, बढ़िया क्या सर। हाँ सर, हाँ जी। अब देखो इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है उसमें जो मैंने आपको भी बताया था उसी बेस पे इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी 100 सेंटीमीटर की दूरी तक, अंग्रेजी पढ़ लें, ए मैन कैन सी द ऑब्जेक्ट अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एक आदमी 1 मीटर के डिस्टेंस तक देख सकता है, कैन सी तो देख सकता है, मैंने कहा था एक तो है यू, एक तो है मैंने कहा था यू और एक है वी, तो यू तो चाहता है, जब भी क्वेश्चन आता है तुरंत ऐसे लिख लिया करो, और वी कौन सा आपका सकता है और हमेशा लेंस के सामने है, ये हमेशा नेगेटिव होंगे, ये मैंने आपको पहले बताया नहीं है, सुन लो। अच्छा अब देखो क्या कहता है कि 1 मीटर की दूर तक देख सकता है तो वी सकता है, तो कितना माइनस का, ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। अच्छा फिर कह रहा है
कि उसकी सॉरी फॉर करेक्टिंग हिज आई साइट सो दैट ही कैन सी एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो वो कहां तक देख कैन सी, तो वो कहता है उस उसकी दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके, देखना चाहता कहां तक है वो अनंत तक, सत्ता कहां तक है वो आपका था 1 मीटर का था, तो इसीलिए हम इसको करने कितना इंफिनिटी कर देते हैं। बस अब कुछ इसमें है नहीं, आपको पावर लेंस की चाहिए, तो अभी हम सॉल्व कर रहे थे पावर क्या थी, p = 1/f = वही 1/v - का 1/u। अब देखो हमारे पास u तो कितना इंफिनिटी है, तो जीरो हो गया, ये तो खत्म, ओनली 1/v रह गया, और v हमारे पास कितना है सर 100, इसको हम लोग लिख देंगे माइनस 1/100। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्टर में आ जाएगा, बिल्कुल, यानी माइनस 1 डायरेक्टर हो जाएगा, माइनस का 1 डायरेक्टर, बिल्कुल इसका आंसर आपका हो गया माइनस का 1 डायरेक्टर। हां वैल्यू अपने को चिन्ह के साथ रखनी पड़ेगी, तो अपन ने रखा है इसको माइनस 100, प्लस और माइनस दोनों ऑप्शंस दिए हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है देखो, टू रिमूव मायोपिया ए लेंस ऑफ पावर 0.66 डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड, the distance point of the eye is approximately। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से अपन करेंगे, आपसे कह रहा है कि मायोपिया जो है उसको हमने दूर करना है, और उसके लिए हम लोग 0.66 डायोप्टर है इतनी की पावर का लेंस अपन यूज कर रहे हैं, तो आपसे पूछा है कि जो आई है उसका फार पॉइंट है वो कहां है, तो पहली बात देखो इसमें डिफेक्ट कौन सा है, वो है मायोपिया, है ना, ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, और पावर दे रखी है, तो पावर को एक्चुअली मैं इसको ऐसे कर दूं सर 2/3 डायोप्टर सही रहेगा, देख सकते हैं। अच्छा सेकंड थिंग देखो, यहां डिफेक्ट कौन सा है, डिफेक्ट हमारे पास है मायोपिया, मायोपिया डिफेक्ट है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब जो दिखता है वो दोष है, इसमें निकट का साफ दिखता है, दूर की चीजें नहीं दिखती है, यानी ये इसको इंफिनिटी की वस्तुएं नहीं दिखती है, तो जहां नहीं दिखती वो देखना चाहता है, अधिकतम जहां तक देख सकता है वो है दूर बिंदु है, इसका मतलब जहां तक देखना चाहता है, यू चाहता है, तो वो तो कितना है चाहता हो गया आपका इनफिनिटी हो गया, और वी सकता है वो इसका नया क्या हो गया, वो इसका नया हो गया, इसको अपन लिखेंगे तो कितना वो इसका नया फार पॉइंट हो गया, वो आपको फाइंड करना है, मेन तो मुद्दे की बात ये ना कि यू कहां तक देखना चाहता है वो है इनफिनिटी तक, और कहां तक देख सकता है वहां देख सकता है, वहां उसका देखो आई डिफेक्ट होने के बाद में जो उसका फार पॉइंट था वो इनफिनिटी पे ना होकर के थोड़ा सा नजदीक आ चुका है, अब उस पॉइंट तक मान लो उसका फार पॉइंट आ गया 10 मीटर पे आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के 10 मीटर तक देख सकता है, 10 के बियॉन्ड वो नहीं देख सकता, वो उसकी एक तरह से रेंज ऑफ विजन होगी, तो इसको हम कहते हैं यहाँ यू मेरे पास इनफिनिटी आ गया, अभी हमको फाइंड करना है, कोई इश्यू नहीं, पावर हमारे पास ऑलरेडी है, तो देखो पावर p इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, तो u तो कितना आपका इनफिनिटी का रखोगे तो जीरो हो गया, किसको रखा आपको v फाइंड करना है, कोई इश्यू नहीं, पावर हमारे पास है 2/3 डायरेक्टर में, तो v कितना, देखो इसको मैं यहां कर दूं 2/3 डायरेक्टर में है इज इक्वल टू कितना 1/v, तो v हमारे पास कितना 3/2 हो गया सर मीटर में आ गया, और मीटर में है इसको अपन 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, पहले तो 1.5 मीटर लिख देते हैं, तो ये 150 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम थोड़ा बाद में देखते हैं क्योंकि इससे पहले कई चीजें और आसान उसको देखते हैं, इसमें बहुत सारे हां कांसेप्ट है, अगर फार्मूला बच्चों को ध्यान हो तो कर सकते हैं, बिल्कुल अभी थोड़े जैसे क्वेश्चन अपन एक दो डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे 64। हाँ जी अगला क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, तो जैसे भी अपन ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट उनकी बात करते हैं, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैलिसर अपने तीन है, माइक्रोस्कोप और एक होगा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप और फिर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में कई संभावनाएं हैं, जैसे और जब भी आप किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो वहां उसका जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है आपका जिसमें अपन कहते हैं टेंशन डाई और एक होता है रिलैक्स डाई,
दो तरह का होता है। और रिलैक्स्ड आई के अंदर हम लोग जो फाइनल इमेज होती है उसको हमेशा करते हैं सेट इंफिनिटी पर, और जिसको देखना आई के लिए सुटेबल होता है। अगर कोई इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो उसको आई है वो लंबे समय तक देख सकती है, उसको अपन कहते हैं शांत आई। एक होती तनाव वाली टेंशन आई, तो एक तो जब भी कहीं क्वेश्चन में ये लिखा नहीं हो कि कौन सा मोड ऑफ अरेंजमेंट है, तो हमेशा नहीं लिखा हो तो हमको मान के चलना पड़ेगा कौन सा सर, रिलैक्स्ड वाला, जिसमें आई है वो जो इमेज उसका फाइनल होता है वो हमेशा का इंफिनिटी पे बनता है, वो ध्यान देना है। तो दो तरह से इसमें होते हैं। अब देखो यहां आपसे क्वेश्चन पूछा, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, तो यहां तो दोनों तरह के आ गए, आपका माइक्रोस्कोप भी आ गया साथ में है टेलीस्कोप भी आ गया। तो देखो इसमें जैसे एक तो अपने है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और दूसरा अपने है टेलीस्कोप, ये दो हैं। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें अपन जानते हैं दो लेंस हुआ करते हैं, तो इसको अपन वैसे यूज कर किस लिए करते हैं, नियर जो ऑब्जेक्ट होते हैं और छोटी की चीजें, बहुत छोटी चीजों को बेसिकली जो आई से दिखता नहीं उसके लिए अपन यूज करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, और उससे भी ना दिखे तो फिर अपन लगाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो नियर वाली होती है बहुत छोटी होती है। इसमें दो लेंस होते हैं सर, और इसमें भी दो लेंस, दो या दो से अधिक हो जाते हैं। हाँ, अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें तो दो लेंस दो हो जाते हैं। तो इसमें दो जो अपन यूज करते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो थोड़ा छोटा होता है, दूर वाला बाद वाला थोड़ा बड़ा होता है शायद, इस तरह की कंडीशन होती है। और टेलीस्कोप में फर्स्ट वाला थोड़ा सा बड़ा डायमीटर का होता है अपर्चर, और बाद वाले का अपर्चर है वो छोटा होता है। ये इस तरह की अरेंजमेंट आपकी होती है। अब इसको अपन पास की वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए यूज करते हैं, इसको अपन कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और ये होता है आपका आईपीस। ऐसे इसमें आपका ये ऑब्जेक्टिव और ये हो गया आपका आईपीस हो गया। और जब इनको अरेंज करते हैं दोनों के बीच की जो लेंथ है उसको अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ये टेलीस्कोप हो जाएगा। अब कहां इसकी इमेज बनेगी, कहां इसको अपन अरेंज करेंगे, वो अलग अलग इसकी संभावनाएं होती है। मोटे तौर पर देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इसका अपन कहते हैं मैग्निफिकेशन, तो दो लेंस है और सिंपल कॉम्बिनेशन है। तो जो इसका अपन एम निकालते हैं तो एक्चुअली है कितना, एम ओ इनटू एम ई होता है, ये पर बात करेंगे। और इसमें जो मोस्टली अपन यूज करते हैं कौन से वाला, जो रिलैक्स्ड आई वाला, रिलैक्स्ड आई वाला कर लेते हैं। हां बिल्कुल, तो प्लस माइनस तो ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट किस तरफ से आ रहा है, एंगल, यस यस, विजुअल एंगल फाइनली जो बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो एक तो एफ ओ बाय एफ ई लिख देते हैं अगर रिलैक्स्ड आई है तो, और अदरवाइज हम लोग अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने तो एफ ओ बाय एफ ई इनटू 1 प्लस एफ ई बाय डी लिखते हैं। यस, ऐसा होता है। तो ये तो हो गया आपका टेलीस्कोप का। यदि बात करते हैं अपन कौन से वाले में, इसमें माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में, तो माइक्रोस्कोप में एक्चुअली होता है क्या है कि अगर आप जरा सा इसमें, चलो अपन सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी भी हल्की सी बात इसमें बीच में ही ले लेते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो अपन इसका दो लेते हैं, एक तो कौन सा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी वाला, जिसमें अंतिम दो, अंतिम जो इमेज बनती है कहां पर, कैपिटल डी पे 25 सेंटीमीटर में, यानी वहां v इक्वल टू कितना आपका डी होता है, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई, इंफिनिटी पे, और वहां बनती है अंतिम इमेज कहां पर आपकी बनती है, इंफिनिटी पे बनती है। तो इसका जो अपन निकालते हैं मैग्निफिकेशन m, तो वो होता है आपका 1 प्लस d / f, बात एक लेंस होता है, और इसका है m इक्वल टू कितना, ओनली d / f होता है। तो एक ध्यान दो, इसका ये m कितना 1 प्लस d / f है, और d यहाँ पे है 25 सेंटीमीटर, f आपको दे रखा होगा, और ये आपका कौन सा, रिलैक्स्ड वाला d अपॉन f, तो d 25 अपॉन f, मान लो हमारे पास f 5 सेंटीमीटर है, तो 25 अपॉन 5 कितना, 5 आ गया, ये 25 अपॉन 5, 5 प्लस 1 6 आ गया। तो जब i टेंशनड मोड में होती है उस समय मैग्निफिकेशन कितना 6 है, और जब ये वाला है तो कितना 5 है, तो इसमें ज्यादा होता है, यानी जब देखिए तो इसमें ज्यादा, पर ये लंबे समय से अपन देख नहीं पाते हैं, ये इजी मोड होता है, इसको अपन यूज करते हैं मोस्टली। अब देखो यही पर ही एक बात और देखें, तो ये d by f है, तो 1 upon f होता है पावर, तो d into power हो गया, यहां से क्वेश्चन नीचे पूछा हुआ है, और पावर जो है 1 upon f, लेंस के लिए अपन कहते हैं तो ये म्यू के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये कलर वगैरह है उस पर भी डिपेंड करना नहीं करना उसका भी आएगा। तो अगर हम लोगों को अधिक मैग्निफिकेशन यूज करना लेना है इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, तो पावर उसकी ज्यादा होनी चाहिए, जितनी लेंस की पावर ज्यादा होगी वो लेंस उतना ही मैग्निफिकेशन करेगा, और फोकस लेंथ कम से कम होनी चाहिए।
फोकस लेंथ कम से कम होनी चाहिए और पावर अधिक होनी चाहिए। अब देखो यही इस बात को अपन यूज करें तो जो ये अपना कंपाउंड वाला स्कोप है उसमें एक्चुअली मैंने कहा कि एम यहाँ पर है कौन सा एम नॉट इनटू एम ए, और जो आई लेंस है वो जस्ट आपका सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से बिहेव करता है। और एम नॉट जैसे इसमें आपने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये डिस्टेंस मान लो कौन सी ये होगा, इसको मैं यू नॉट मान लो, इसकी इमेज यहाँ बन गई मान लो, इसको मैं कर दूं कौन सा वी नॉट, तो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो तो आपका कितना माइनस का लेंस में आपका होता है माइनस प्लस, ये आपका वी नॉट अपॉन यू नॉट। और ये तो जस्ट अब दो ही चीजें हैं देखो, या तो है 1 प्लस डी बाई एफ या कितना डी बाई एफ। तो बस ये ध्यान दे लो, यहाँ तो बहुत सामान्य सा है कि अगर क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने फाइनल इमेज बनाई है डी डिस्टेंस पर, तो उस केस में तो कितना v नॉट अपॉन u नॉट इनटू कितना 1 प्लस d बाय f कर दो, और अगर आपने बनाई है इनफिनिटी पे तो ये तो आपका v नॉट अपॉन u नॉट रहेगा इनटू कितना कर दो d बाय f कर दो। तो अब देखो यहीं से अपन इसके जो क्वेश्चन जो आपका था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ये, इसलिए अपने को इतनी बात करनी यहां पर पड़ रही है। तो ध्यान दो, जैसे मैं इसको मैंने कहा था अभी कि कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा हो तो हमेशा फाइनल इमेज कहां बनती हुई अपने को माननी चाहिए इनफिनिटी पे। तो उस केस में देखो मैं इसको यूज करता हूं तो मेरे पास देखो इसका मैग्निफिकेशन बनेगा m, वो है कितना देखो v नॉट अपॉन कितना u नॉट इनटू कितना वा सर d बाय f, पर ये f इसका है, ये है i इसका, तो ये आपका f e बन गया। अब जब इसको अपन करते हैं अप्रोक्सीमेशन करते हैं इसका, तो उसमें अपन क्या देखते हैं कि इस वस्तु को हम रखते हैं इसके फोकस पॉइंट पे लगभग उसके पास में ही रखते हैं, ऑलमोस्ट फोकल लेंथ के बराबर ही, बिल्कुल। और जब इसको जैसे अपन ने पढ़ा था अगर ये f है ये इसका 2f है और किसी लेंस के पास से अपन लेके आते हैं ऑब्जेक्ट, तो जितना पास लेंगे इमेज f से बनते हुए दूर जाती है, आप 2f से भी f पे आ चुके हो, f जितना करीब इमेज उतनी दूर जाएगी। तो ऐसे केस में क्या हुआ देखो u नॉट जो आपका वो तो f नॉट हो गया, u नॉट तो हो गया कौन सा ये तो f नॉट हो गया, और v जो है वो इमेज आपकी जस्ट इसके पास पहुंच गई, तो इसको अपन l कर दें। तो बहुत ही शानदार फॉर्मूला ये बनता है m = कितना l * d / f नॉट / fe। अब देखो हमारे पास दोनों चीजें बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं, यहाँ तो सर ने कहा f नॉट अपॉन f ही, और इसमें तो मेरे पास कौन सा ये m है ये है l * d / f नॉट / fe है। तो यहाँ देखो दोनों जो फोकस लेंथ है लेंस की वो दोनों ही कम से कम होनी चाहिए, दोनों कम होनी चाहिए, इसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा अधिक मैग्निफिकेशन करने के लिए। पर अगर आपको टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, इसमें ओ से ओवर याद रखना, ओ से ओवर ओ ऊपर आएगा, टेलीस्कोप में ओ वाला पोर्शन ऊपर आएगा, ये हमेशा याद रखना ही रखना है, और इसको याद कर लो उसको उल्टा कर लो, मैग्निफिकेशन उसी में आता है। और एफ ई तो दोनों दोनों ध्यान देना एफ ई दोनों के लिए कम होनी चाहिए, एफ की दोनों की कम होनी चाहिए, एफ नोट है वो उसका अधिक होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को ठीक से आंसर दे पाएंगे। तो हाँ सर देखिए इसमें क्या आंसर आएगा, अब देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है हमें, तो देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होना चाहिए अगर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंथ का बढ़ा दे रहे, यानी एफ ओ को हम लोग बढ़ा दे रहे, तो एफ ओ को बढ़ाएंगे इस टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन तो बढ़ जाएगा, माइक्रोस्कोप में कम बढ़ जाएगा। तो पहले में लिखा है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों का डिक्रीज होता है, गलत है। सेकंड में लिखा है माइक्रोस्कोप का डिक्रीज होगा, एफ ओ नीचे है ना, तो माइक्रोस्कोप का डिक्रीज होगा बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज, ये सेकंड ऑप्शन ही सही होगा सर, बढ़िया आगे, हाँ सर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में लिखा है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई इज 25, इफ the focal length of eye lens is 5 cm, then the object distance for the objective lenses, सबसे पहले तो compound microscope है, यानी कि एक objective है, एक eyepiece है, अब जैसा कि अभी सर ने बताया था, यहाँ पर हम लोग objective को रख दें, इस जगह eyepiece को रखते हैं, image यहाँ कहीं बनता है, ठीक है ना, तो ये distance u o इस डिस्टेंस को VO कह देते हैं, और इसमें जो मैग्नीफाइंग पावर है रिलैक्स्ड आई के लिए, रिलैक्स्ड आई जो हम लोगों की विजिबिलिटी का रेंज होता है 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D और इन्फिनिटी रिलैक्स्ड आई, तो हम लोग दोनों लिमिटिंग कंडीशन ही तो लेते हैं फॉर्मूले में जो भी, तो अभी रिलैक्स्ड आई की बात कर रहे हैं, यानी कि ये दूरी क्या होगी फोकल लेंथ के बराबर होगी, और ये फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है ना, यस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है,
और टोटल लेंथ कितना दिया था 14 सेंटीमीटर, तो इस वाले लेंथ को ये जो VO है ये VO 9 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। हमें क्या इसमें फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ये टर्म इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, साइन तो नेगेटिव होगा, हमें सिर्फ ये U नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक चीज दिया हुआ यहाँ पे 25 है मैग्नीफाइंग पावर, अगर माइक्रोस्कोप की बात करें रिलैक्स्ड आई में मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है हम लोग ऐसे लिखते हैं VO by UO, और रिलैक्स्ड आई है तो सिर्फ D by F लिखेंगे। बिल्कुल। और अगर ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा होता तो 1 लिखते सर। अब यहाँ पर D है FE है पुट करेंगे तो ये 25 by 5 5 आएगा, 5 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। बिल्कुल। यानी कि VO का जो मैग्नीट्यूड है 5 टाइम्स हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव अभी ले रहे हैं क्योंकि साइन तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा ना। अब हम लोग लेंस फार्मूला यूज कर लेंगे तो हमें यू नॉट फाइंड करना है जबकि इसका फोकल लेंथ इसमें हो गया ना सर, अब हो गया हाँ, ये 9 दे रखा है अपने को, हाँ वी नॉट 9 दिया है तो हो ही गया 9 इक्वल्स टू 5 यू नॉट, तो 9 बाय 5 कर देंगे मैग्नीट्यूड, यानी कि ये 1 से ज्यादा आएगा, 1.8 आएगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल 1.8 इसका आंसर हो जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाएगा आराम से। बढ़िया सर। हाँ सर। तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यूजिंग ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, इन दिस एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय, तो ये तो वर्नियर स्केल से मापते हैं, वर्नियर स्केल से मापते हैं। तो ठीक है, कुछ याद रखना है, ये तो याद रखना है। ठीक ठीक, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, एक अपने द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज 9, टेलीस्कोप दे रखा है, व्हेन इट इज एडजस्टेड फॉर ए पैरेलल आई, इसका मतलब इनफिनिटी वाला रिलैक्स आई वाला, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 20, यानी आपको दे रखा है लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज आर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछी है, कोई इशू नहीं है। रिलैक्स्ड आई के लिए तो हम लोग एफओ बाय एफ ही लिखते हैं। यस यस, रेशियो दिया है, अब हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, तो देखो एक रेशियो क्या है, अब देख लो इसमें से ऑप्शन सबको जोड़ने पर तो 20 ही आ रहा है, 20 आ रहा है, पर रेशियो आना चाहिए 9, तो इसमें जो ओनली थर्ड में पॉसिबल है आप सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन हां बिल्कुल, अगर आपने इसे एफ और 9 एफ ही आ गया, ये रखा आपने 9 एफ ही प्लस एफ ही 10 एफ ही, तो 10 एफ ही 20 तो एफ ही कितना 2 आ गया, तो फिर बचा कौन सा आपका, अपने आप ही हटना चाहेगा। तो बहुत ही ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नीट में ऐसे क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रखे हैं। बढ़िया सर। हां सर, ओके। अगला क्वेश्चन है, the focal length of the objective and eyepiece lens of a telescope are respectively 20 and this, the maximum magnifying power of that telescope will be, acha ek baat abhi apan discuss karte shuru mein sir ki jaise ek hota hai aapka tension eye wala mode, ek hota hai relax wala, relax wala hamare liye easy hota hai aur magnification kam hota hai, usme kam hota hai, to aapko pucha hai isme maximum iska matlab kaun sa tension wala hai, to fir to koi dikkat nahi, apan kaun use karte hain relax eye wala condition use kar lenge, kar dete sir टेंशन वाला होगा टेलीस्कोप है ना, तो टेलीस्कोप के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई इनटू 1 प्लस एफ एफ अपॉन डी बाय डी, यहां ये ध्यान रखना टेलीस्कोप में एफ ई ऊपर आता है, माइक्रोस्कोप में डी ऊपर आता है। एक बस ये ध्यान रखना कि हमने इसको क्यों लिया है, भाई हमारे पास एक फार्मूला और भी था एम इक्वल टू माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई भी था, पर हमने इसको काम में क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कौन सी आती है, वो हमेशा आती है टेंशन मोड में आती है, इसलिए हमने इसको लिया। ठीक है सर, आगे बढ़े, अब तो वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगा आराम से, हो जाएगा बिल्कुल। देखिए अपन ऐसे ही बुझा दे, एफ और हमारे पास कितना है सर 200 दिया है और ये 5 तो ये 40 हो गया, 40 हो गया, तो 1 प्लस कितना ये आपका 1 अपॉन डी, 5 अपॉन कितना ये 5 है, 25 से 1/5 लिख देते हैं 0.2, यस यस, यानी कि 40 गुना 1.2 तो 1248 बिल्कुल आपका शानदार आंसर है। ओके, और ये अपन अभी देखें, आपसे पूछा है इसमें क्या पूछा है सर, इसमें तो फोकल लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एफ प्लस एफ होता है। ओके, नेक्स्ट द टू कॉनकेव लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 0.3 मीटर एंड 0.0 आर यूज्ड टू मेक ए टेलीस्कोप दैट डिस्टेंस गैप बिटवीन दैट टू इज, तो कुछ दे रखा नहीं है, तो आपको क्या मान के चलना है, पैरेलल आई अरेंजमेंट या रिलैक्स्ड आई अरेंजमेंट, और वहां होता है कितना, दोनों का सम होता है, सम होता है बिल्कुल, एफ नॉट प्लस एफ ई, तो दोनों कैसे हैं आपके एसएस मीटर मीटर में है,
तो बिल्कुल 0.35 0.35 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। हां इसमें थोड़ा सा एक एरर वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में एक चीज हल्का सा स्टेटमेंट यहां पे बचा हुआ है वो आप नोट कर लेंगे। मैग्निफिकेशन जो है ना ये वाला, ये है इन कंडीशन ऑफ व्हेन द मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें कुछ साफ लिखा नहीं है इसलिए आपको कहां आप तो मानेंगे उसको रेस्ट मांगेंगे, तो मैंने क्वेश्चन चेक किया था तो वहां इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी बची हुई थी, वो लिखी भी नहीं गई है, तो इसलिए इसका आंसर आपका कितना करोगे अगर ध्यान सुनो, अगर ये इतना ही क्वेश्चन है तो आपको करना पड़ेगा आंसर 5, ठीक है। और ये जोड़ दिया इसमें कि इफ फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, यानी अंतिम प्रतिबिंब साफ देखने की न्यूनतम दूरी बनता है, तब आप आंसर देंगे इसका कौन सा 6 वाला। ओके द नंबर ऑफ लेंसेज इन ए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज, तो तीन होते हैं के लिए होता है, तो वैसे भी कितने दो होते हैं, इसमें अपन लेते हैं तीन। ओके अगला क्वेश्चन है, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रॉस वायर्स आर फिक्स्ड एट द पॉइंट्स, जहां पर इंटरमीडिएट इमेज बनती है कहां उसको करते हैं क्या सर, इसमें ऑब्जेक्टिव जहां बनाता है ना, हां उस जगह हम लोग रख देते हैं। हां जहां पर ये तो मतलब थोड़ी है जहां पर बनाया उस जगह रियल इमेज बन रहा है, बिल्कुल वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके नेक्स्ट है इसमें, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेजेस, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें इंटरमीडिएट इमेज कैसे बनती है, तो जैसे अपन बात कर रहे थे अभी कंपाउंड वाले में, ये मेरे पास एक लेंस मान लीजिएगा और ये हमारे पास दूसरा लेंस हो गया, इसको अपन ने कहा था ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिनेत्र लेंस, सर अभिनेत्र से कोई होता है इसको बोलते आईपीएस, इन अभिनेत्र लेंस अपन ई कहते हैं, और जैसे इस वाले में वस्तुएं पास होती है तो एफ और जो 2F होता है ठीक, उससे थोड़ा सा बाद में अपन ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, उस केस में यहां मान लो वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु यहां रखी है तो इसकी इमेज यहां जो f और 2f है इससे भी परे इमेज इस दूर बनती है, और कैसे बनती है, उल्टा इमेज बनता है, तो इमेज कैसी है देखो, पहली बात तो अगर आपने यहां से देखा था ना f इनफिनिटी पे तो f से थी छोटी इमेज थी, पर यहां से 2f तक थी इमेज बढ़ती गई, आप 2f को क्रॉस कर चुके हो तो इमेज कैसी इनवर्टेड है और मैग्नीफाइड है, इसका m कैसा 1 से बड़ा है, तो इस तरह से इमेज कैसी है, ये आपकी है आवर्तित इमेज है और उल्टा इमेज है जिसका m 1 से ज्यादा है, तो ये तो इसका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, वास्तविक होगा, हां वास्तविक, वाओ वास्तविक है, उल्टा है और आवर्तित है, रियल इनवर्टेड मैग्नीफाइड, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग, ये कोणीय आवर्धन अपन कैसे बढ़ा सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, बिल्कुल 1+d/f लिख दे, तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा, तो लेंस की क्षमता जो है पावर को इंक्रीज करेंगे तो मैग्निफिकेशन इसका बढ़ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखें, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन, टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर को हम लोग a बाय 1.22 लैम्डा लिखते हैं, ये यहां अपर्चर होता है ऑब्जेक्टिव का, बिल्कुल यहां से यहां तक ये a है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है, आप इसमें देखो एक बात याद रख लें क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था अभी इन सालों में, कि एक तो है रिजॉल्विंग पावर, एक होता है रिजॉल्विंग लिमिट, लिमिट उल्टा, तो लिमिट जो है उसमें तो लैम्डा, लिमिट लैम्डा, लिमिट लैम्डा, तो लैम्डा में तो एल का थोड़ा सा ऐसे बात सुना ना, उल्टा उल्टा होता है बस, रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग लिमिट का रेसिप्रोकल, टेलीस्कोप में अलग माइक्रोस्कोप में अलग तरीके से डिफाइन, जब भूल जाए जब भूल जाते हैं ना उस समय थोड़ा सा अपने हेल्प कर देता है, रिजॉल्विंग लिमिट है तो लैम्डा यानी 1.22 लैम्डा अपॉन ए आ जाएगा, और उसमें पावर है फिर उसको आप रिवर्स कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आया था अभी, ये क्वेश्चन वहीं से लिया हुआ, देखो ये तो लास्ट का क्वेश्चन है इसमें, ये वाला कि द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ दिस एंड दिस आर, तो रिजॉल्विंग पावर पूछिए ना अपन से, तो हम तो जानते हैं लिमिट वाला, तो अगर मैं बात करता हूं रिजॉल्विंग लिमिट वो तो क्या थी, प्रोपोर्शनल लैम्डा थी, और इसको लिखूं मैं 1 / कितना रिजॉल्विंग पावर,
तो रिजल्ट पावर तो लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसका लैम्डा कितना रेशियो है 2/3 है, तो आपका आंसर 3/2 आ जाएगा, तो इसका आंसर अपन कर देंगे। तो ये इस तरह से याद होता है ना, तो फिर क्वेश्चंस में क्या थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाती है। फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जैसे टेलीस्कोप के लिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं, और अगर माइक्रोस्कोप है तो इसको 2μsinθ बाय लैम्डा लिखते हैं, ज्यादा एक्यूरेट लिखना है तो 1.22 लैम्डा। बिल्कुल सर, अल्टीमेटली हमें यही ध्यान रखना है कि लैम्डा क्या प्रोपोर्शनल है या और दूसरा म्यू पे डिपेंड करता है, ये दो चीज ध्यान रखना। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया सर 77। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है ना ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर। तो हम यहां तक आ गए थे, किसको बढ़ा के ये कम कर दिया ना, 76 पे आपका 77 भी पहुंच गया, अब अपन आ गए 78 पे। देखिए सर क्या कह रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यानी कि यू को दिया है, इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं मैग्नीट्यूड, बस माइनस का पर वो वैल्यू रखनी है जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो, सो दैट फाइनल इमेज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अगर हम लोग ये टेलीस्कोप है माइक्रोस्कोप है ना, एक वी नॉट फाइंड कर लेते हैं और फॉर्मूला होता है वी नॉट यू नॉट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिख दिया इनटू डी बाय एफ, और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है 1+1+1+d/f, डी बाय एफ, तो एफ तो दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, हम लोग क्या एक तो इससे वी नॉट निकाल लेते हैं ना, फॉर्मूला यहाँ लिख दें सर, यस v के लिए आप ऐसे लिख देना f by f plus u, अब यहाँ पर साइन के साथ लिखना होता है बच्चों, तो फोकल लेंथ अगर हम लोग इसका लिख रहे हैं यहाँ पर साइन नेगेटिव आता है, मैं इसको माइनस लिख देता हूँ माइनस u नॉट, अब सॉल्व करके तो आ जाएगा, बाकी बच्चे कर लेंगे सर, तो इसका v नॉट आएगा उसमें पुट कर देना है, यस यस, तो इसमें ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दो सॉल्यूशन से करनी हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन पहले वाला है, एक हल्का सा रिपीट हो गया, आंसर आपको मालूम है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अपन बता चुके हैं, इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज लोकेटेड एट इंफिनिटी, तो अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी बनती है तो उस केस में इसका मैग्निफिकेशन कितना होता है, डी बाय एफ होता है, बिल्कुल, और डी के बदले 25 लिख देंगे। अब हम आते हैं, देखो एक क्वेश्चन जो हमने बीच में छोड़ दिया था वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आइए सर देखो एक बार उसमें थोड़ा सा बच्चों को सिखा देते हैं उसको सरल भाषा में। और ये नीट पूछा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ए स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल इज ड्रॉन ऑन इनसाइड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, द आईपीस फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, द लेंथ ऑफ दिस इमेज इज स्मॉल एल, स्मॉल एल, द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का आपने को मैग्निफिकेशन है वो फाइंड करना है, तो इसमें तो है क्या एक्चुअली, टेलीस्कोप हमने देखा तो ये मान लो टेलीस्कोप का मैं इसको मान लो ऑब्जेक्टिव लेंस और इसको मान लेता हूं मैं आईपीस, अब देखें क्वेश्चन कह रहा, देखो कि पहली बात तो सामान्य समायोजन है, इसका मतलब इन्फिनिटी पे, और उसमें कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके भीतर एक एल लंबाई की काली रेखा है, तो देखो इसमें ये था कि जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर एक कोई अपन ने काली रेखा बना रखी है कैपिटल एल, और इसकी लेंथ दे रखी है हम लोगों को एल, ओके। अब ये जो लाइन है वो आई पीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का काम करेगी, बिल्कुल, और इसकी बनेगी इमेज। अब देखो रिलैक्स आई में अपन लोग पहले तो इसकी देखते हैं अरेंजमेंट, तो इस पे रे आती है कहां से, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी तो इमेज यहां बनती है,
इन्वर्टेड इमेज बनती है और वो डिस्टेंस कितना होता है आपका एफ नॉट। और अब इसको भी यहाँ इसके द्वारा भी हम लोगों को लास्ट इमेज बनानी है इन्फिनिटी पे, तो इसलिए ये ऑफ द इमेज बन गई इंटरमीडिएट, वो भी इसके कहाँ पे होनी चाहिए, इसके एफ ई पे होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों के टोटल डिस्टेंस हमारे पास एफ नॉट प्लस एफ ई आ गई, तो जो आई पीस है इसके लिए ऑब्जेक्ट है इसकी टोटल अपन डिस्टेंस देखें तो ये एक्चुअली हो गया आपका यू ई और ये हो गया माइनस का कितना एफ नॉट प्लस एफ ई हो गया। यहां दो चीजें हैं, देखो आपको कह रखा है कि E के सामने O है जिसके अंदर एक लंबाई है जिसका इमेज बन रहा है, तो इसकी जो इमेज यहां बन रही है वो है उसके लिए स्मॉल L है। तो यहां मैग्निफिकेशन एक तो किसका है ऑफ आई पीस, ध्यान सुनना मेन जो इसका मुद्दा है क्वेश्चन का वो है क्या, एक तो है इसमें मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, वो तो एक्चुअली है कितना, देखो ये लेंथ स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, यानी लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो है इन्वर्टेड तो माइनस का आएगा, एक तो बात ये आ गई। सेकंड थिंग देखो आपको पूछा कि आपसे पूछा मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, ऑफ टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना आपका होता है एफ नॉट अपॉन एफ ई, ये आपको फाइंड करना है और अपने पास तो एम ई यानी ये एल माइनस का एल अपॉन एल ये हमको पता है। अब सुनो जी यदि इसके ऊपर मैग्निफिकेशन निकालते हैं आई पीस का, तो आई पीस का जो मैग्निफिकेशन है एक सिंपल लेंस है सर, और लेंस का तो होता है कितना है V बाई यू, लेंस का मैग्निफिकेशन कौन से E वाले का, तो मैं इसको V E अपॉन U ही तो करूंगा सर। और ये वैसे है कितना आपको दे रखा है माइनस का स्मॉल L बाई कैपिटल L, इधर रखा है हमको। अब देखो इसमें U E हमारे पास कितना है माइनस का F नॉट प्लस F ही है, तो इसको अपन एक मिनट ये हमारे पास आई पीस हो गया, तो इसके लिए हम जो यूज करेंगे तो ये हमारे पास एम ई है वी ई अपॉन यू ई। ओके तो फोकल लेंथ के टर्म में लिख दें सर। हाँ एक मिनट, हाँ यस यस, तो एम ई हमारे पास एक्चुअली है क्या, किसकी हमारे पास फोकस लेंथ है वो कितनी सर दी थी एफ एफ ई, और ये थी हमारे पास कौन सी एफ नॉट, और ये यू के टर्म्स में ले लेते हैं कि हमारे पास तो यू अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, देखो इसको मैं यहाँ से हटा दूं, ऐसे ले लेते हैं, यस यस, इसको हम ले लेते हैं F अपॉन F, और अपन ने सिखाया था बच्चों को U, V तो आएगा माइनस का और U होता आपका प्लस का, और ये है F E, F E नीचे भी और ये भी F E और ये भी U E है, तो माइनस साइन के साथ और इस U E के स्थान पे अपन रख दें माइनस का F नोट और F E, तो F E तो कट जाएगा। यस, तो इसके स्थान पे अगर मैं यहाँ ही लिख दूं ये माइनस का कितना सर जी F नोट प्लस F E, ये माइनस के साथ है। अब इसको ओपन करेंगे तो माइनस का एफ नॉट और एफ एफ ई से एफ ई कैंसिल, तो अपने पास आ गया एफ ई अपॉन एफ नॉट, एफ ई अपॉन एफ ई अपॉन एफ नॉट, और माइनस का भी आएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, इसको अगर उल्टा कर दें तो एफ ओ बाई एफ ई हो जाएगा कैपिटल एल बाय स्मॉल एल, स्मॉल एल, और ये हमको मैग्नीफाइंग पावर। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखें कि आपने को इसमें क्या दे रखा था और क्या पूछा था, आपको दे रखा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक एल लेंथ का कोई लाइन था और ये आई पीस है वो उसकी इमेज बना रहा है जिसकी लेंथ है कितनी स्मॉल एल, और फिर आपसे पूछा कि इस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना है, तो गिवन तो क्या था मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस और पूछा हमसे क्या मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, इसलिए दोनों फॉर्मूले अपन यूज करेंगे, इसका आपको आंसर है वो मिल जाएगा। दोनों में थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, ये जो है ना ये मैग्निफिकेशन जो हम लोग कहते हैं ये तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज होता है, ये जो मैग्नीफाइंग पावर होता है ये एंगुलर जो विजुअल एंगल होता है उसके रेशियो को बताता है, यानी इमेज जो है वो आई पर कितना एंगल बना रहा है विजुअल एंगल, और जो ऑब्जेक्ट था उस वो कितना विजुअल एंगल बना रहा है, तो फर्क थोड़ा सा है, यहाँ पर विजुअल एंगल का रेशियो होता है यहाँ पर साइज का रेशियो होता है, ये चीज है थोड़ा सा डिफरेंस। बिल्कुल, तो इसी के साथ सर, ये गुणनीति 45 के अपने क्वेश्चन सब वो कंप्लीट हो गए हैं, तो एक इसकी गुणनीति 45 जिसमें अपन बात करेंगे वे ऑप्टिक्स वो बचा है जिसको कि हम जिसको भी अपन ही करना है सर। बिल्कुल करेंगे, यस यस, बच्चों तो के लिए सब कुछ करें इसको समाप्त। हाँ सर, ओके थैंक यू। तो बच्चों आप सब अपना ध्यान रखना, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, थैंक यू। Thank you.